वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 10 देख रहे हैं क्लास 10th की, 27 जुलाई की, जिसके अंदर मैथ्स का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। सो प्रतिस्थापन विधि जो है वो दो इक्वेशन मतलब समीकरण जो दे रखे होते हैं, जो इक्वेशन दे रखी होती हैं, उनको सॉल्व करने का एक तरीका है, जिसके अंदर यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 7x-5y=2, ये पहला समीकरण मतलब इक्वेशन है, और x+2y=3, ये दूसरा समीकरण है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स सारे के सारे दे रखे हैं, और ये आप खुद पढ़ के एक बार समझें, हम इनके जो क्वेश्चन दे रखा है वो हम एक्सप्लेन करते हैं वीडियो में कुछ सेकेंड के बाद। तो यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, डैश एंड डैश आर अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर आप पहली ही लाइन देखें तो यहाँ पे दे रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पर आप लिख देंगे, ये दो मेथड हैं, और भी दो मेथड हैं जिनके बारे में आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे इसी तरीके से हिंदी में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब हो गया जब हम एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू में हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेप नंबर 2 है, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप नंबर 2 में कि जब आप x की जो वैल्यू होगी, जो x का मान हो गया, वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसे। आइए चलते हैं किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन जो मेथड है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एक एग्जांपल वर्कशीट में गिवन है उसको भी सॉल्व करके देखते हैं, और एक एग्जांपल उन्होंने करने के लिए दिया है एक क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली समीकरण बोल सकते हैं, दूसरी समीकरण। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर या प्रतिस्थापन मेथड के अंदर, विधि के अंदर, हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। जैसे कि मैं सेकंड इक्वेशन की मदद से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ और 2y को उधर भेजता हूँ, तो 3-2y, सो ये हमारी थर्ड समीकरण बन गई, तीसरी मतलब इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, प्रतिस्थापन इसके अंदर मैं पुट कर दूँगा बेसिकली। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, 7x, अब x की वैल्यू की जगह पर ये आ जाएगा, सो 7(-2y-15y=2), ये हो गया। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो जिस तरीके से मेहमान घर में आते हैं ना तो सबसे मिलते हैं, उसी तरीके से ये भी सबसे मिलेगा जो ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि 7 इसके बाहर है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये। सो 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14, y-15y=2, सो 21 माइनस माइनस जो होगा वो इसको हम जमा करेंगे, 14 और 15 को जमा करेंगे तो आपका आ जाएगा 29y, बड़ा कौन है 15, तो माइनस आ जाएगा =2। सो अब इसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -29y और =2 क्या हुआ, 2 बचा, और ये 21 उधर गया तो -21, सो y=2 यहाँ पे कितना आ गया, -19, और यहाँ पे 29 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -29 डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 19/29,
ये वाई की वैल्यू। अब ये वाई की वैल्यू आई है, इसको हम क्या पुट करेंगे, तीसरे के अंदर पुट कर देंगे, इस वाले के अंदर। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये लाइन इधर इधर जाएगी। सो एक्स क्या था, एक्स इक्वल्स टू 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 19/29। तो ये आ गया एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 20 मान लेते हैं इसको। सो 20 × 40 = 38 -29। इसको आप नॉर्मली एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं, बट मैं आपको एक अलग से तरीका दिखा रहा हूँ कैसे आप इसको एक स्मार्ट तरीके से जल्दी कर सकते हैं। 3 माइनस, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, 29 यहाँ पर आ जाएगा, 1 इसके अंदर कितना गैप है, 9 का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 1 माइनस कर देंगे 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 3 - 1/+2/19, ठीक है। 3 - 1 तो 2 हो गया, -2/9/29 भी करना है। तो 2 में से 1 गया 1, इन दोनों को माइनस करेंगे, 20/29 इसका आंसर, ठीक है। ये आंसर आप लिख सकते हैं, या फिर इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं 29/49/20। ये जो मेथड है वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। अभी आपको लग रहा होगा बहुत लंबा है, तो मिक्स फ्रैक्शन के ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको हम और भी कुछ क्वेश्चन में देखते रहेंगे। आइए चलते हैं, जो वर्कशीट का जो क्वेश्चन दे रखा है उसको कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है जो वर्कशीट के एंड में दे रखा है वो भी देख लेते हैं। 2x + y = 21, ये हमारी पहली हो गई इक्वेशन, ये दूसरी। इसके अंदर हम किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखें y अकेला है, तो मैं इसके अंदर y की वैल्यू निकालना चाहूँगा। सो मैं इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ, सॉल्विंग वन, सो पहले वाले के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, y को एक तरफ रख के 2x दूसरी तरफ भेजेंगे, 21 - 2x। अब ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, मैं इसको इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड है या प्रतिस्थापन बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग 3 × 2। ये वाली इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, कैसे करते हैं वो देखते हैं। 3x + 5y, y की वैल्यू क्या है, ये तो 21 - 2x = 49। यहाँ पर भाई मेहमान वाली बात, मेहमान घर के अंदर घुसेंगे तो दो सबसे मिलेंगे, तो दोनों से मिलाते हैं। 3x + 5 × 21 कितना हो गया, 5 = 10 = 105 -10x = 49। तो 105 उधर भेज देते हैं और 3x और -10x सॉल्व कर देते हैं, तो आ गया -7x। ये आ गया 49 - 105। आप इसको सॉल्व करें, सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको सॉल्व करने पे, 49 मतलब 50 मान लो इसको, 50 और 50 100 हो गया, ठीक है। 50 और 5 = 55 और 1 = 56, और यहाँ से -7x था तो नीचे आ जाएगा -7, यहाँ पे 7 के टेबल में आता है, 7 × 49 = 56, -8 आंसर हो गया। अब यह हम लिख देंगे पुटिंग, हम किस में पुट कर देंगे इसको, यहाँ में हमने सॉल्विंग वन कर दिया, ये वाई की वैल्यू आई थी ना, इसमें पुट कर देंगे पुटिंग एन 3। सो y = 21 - 2 (-8). सो y = 21 - 16, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 37। सो x और y की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं।